नमस्कार, मैं अमन स्वागत करता हूं आपका सोशल न्यूज में। जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं ये दरअसल मध्य प्रदेश की हैं, जहां पर लगातार बारिश और निसर्ग तूफान की वजह से जो गेहूं बाहर रखा था उसमें पानी भर गया है और जो गेहूं खराब होने की कगार पर आ गया है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की कान पर जूं तक नहीं रह गई, बल्कि उनके जो मंत्री हैं वो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो ये गेहूं है ये किसानों से खरीद लिया गया है, इसमें किसानों का कोई मतलब परेशानी की बात नहीं, उनको कोई घाटा नहीं होने वाला। लेकिन जरा सोचिए, इस लॉकडाउन की स्थिति में कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने लोगों के पास अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में सरेआम इस तरह से अनाज को जो है खराब होने के लिए छोड़ देना, क्या यह सरकार की संवेदनहीनता को नहीं दर्शाता है? क्या यह सरकार की जो एक वो होती है कि किसानों की जो फसल वो लोग मेहनत से उगाते हैं, भले ही आपने उनको उसका एक मुश्त रकम अदा कर दिया, लेकिन वो अनाज पे हक देश का है और देश के लोगों तक वो पहुंचना चाहिए। लेकिन उससे पहले ही आप उसको इस तरह से बाहर रखकर बारिश की वजह से या और भी आपदाओं की वजह से उसको खराब करने पर तुले हुए, और उसमें बयान ये आता निकल कर कि किसानों का इसमें कोई घाटा नहीं है। देखिए, सिर्फ ये किसानों का नहीं है, ये पूरे देश का अनाज है, क्योंकि देश के लोग टैक्स देते हैं और उस टैक्स की वजह से सरकार ये जो गेहूं ये खरीद पाती है। तो ऐसे में इस तरह का संवेदनहीन बयान देना अपने आप में गैर जिम्मेदाराना है। और साथ में जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में वो क्या कह रहे हैं, आप उस पर भी जरा गौर करिए और बताइए कि क्या कहना उनका ये वाजिब है, क्या कहना उनका ये सही है। ऐसे वक्त में जब दुनिया देश में नहीं दुनिया में त्राही त्राही है और तमाम लोग जो भूखे मरने की कगार पे, तो आप ये वीडियो देखकर जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या उनका ये कहना बेहतर होगा इस स्थिति में, क्या उनको ये कहना चाहिए था, क्या उनको इस तरह का बयान देना चाहिए था। क्योंकि ऐसे मौकों पर इस तरह का बयान देकर कहीं ना कहीं वो अपनी असंवेदनशीलता को दर्शा रहे। तो कुल मिलाकर ये बड़ा मुद्दा है जिसको जरूर उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अपनी संवेदनहीनता को बार बार दर्शा रही है, जो लोगों के लिए जनता के लिए अच्छी चीज नहीं। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए सोशल न्यूज़।